एक रिटेल निवेशक आखिर पीएसयू कंपनी के शेयर में निवेश क्यों करता है? क्योंकि इनके पास कॉम्पिटिटिव बिजनेस एडवांटेज रहता है, इनके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ऑर्डर बुक इनकी हमेशा भरी हुई रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिविडेंड तगड़ा देता है। तो जिस व्यक्ति को डिविडेंड के रूप में एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो पीएसयू स्टॉक्स की तरफ लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कंपनियों के शेयर्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है जब इकोनॉमी सुधरती है तो कौन से कंपनी से आपको कितना बड़ा एडवांटेज मिल जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ 3 पीएसयू कंपनीज की, जहां पर मुझे लगता है अब भी थोड़ी कितनी ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा सकती है और अच्छे खासे रिटर्न्स यहां से भी बन सकते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ जिसका प्राइस अभी भी 3 डिजिट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, या ONGC। अब पिछले एक साल के इसके चार्ट को देख ले तो यहाँ पर अक्टूबर से लेकर आप देख रहे हो मोमेंटम आना शुरू हो चुका है इस कंपनी के प्राइस पैटर्न में। और अगर मैं टिकर टेप के ही कुछ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को रेफर करूँ तो जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो FD से बेहतर रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने निवेशकों को दिए हुए, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं हम। डिविडेंड की बात करें तो 5% का डिविडेंड है। सेविंग बैंक अकाउंट में वैसे आज के डेट में क्या इंटरेस्ट चल रहा है, उससे तो ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है। और इनके ही इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एंट्री पॉइंट बन रही है, दिख रही है, क्योंकि यह स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पर नहीं है। अब डोमेस्टिक गैस प्राइसेस को लेकर डीरेगुलेशन की बातें ऑलरेडी चल रही है, अगर वो हो जाती है तो ONGC के लिए दोबारा एक बहुत ही पॉजिटिव वो सेंटीमेंट्स क्रिएट करेगा। अब इस कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फ्री कैश फ्लो है अभी भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है। नेट इनकम की बात करें तो 10,000 करोड़ से भी ऊपर की नेट इनकम इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी, और ये मैं एनुअल नंबर्स को रिफर कर रहा हूँ। अब इस फोरकास्ट को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्राइस फोरकास्ट है वो हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। यहाँ पर जहाँ पे फोरकास्ट हाई 150 रुपये का दिखा रहा है और जो लो है वो 60 रुपये के आसपास का दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि हमें समझ में आ रहा है कि रिस्क क्या है और उसके सामने पोटेंशियल क्या है। अब इसी प्रकार से ये रेट्स होने वाले हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एक इनपुट की तरह हमें देना चाहिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि कोई भी इस तरीके का भविष्य नहीं कर सकता है। लेकिन अच्छी बात ये हो जाती है कि हमें रिस्क पता हो जाती है कि 60 रुपये तक का नीचे बॉटम भी जा सकता है इस कंपनी का शेयर, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम खरीदें, हम पैसे डालें और आगे वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। उसी के साथ L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को 2,500 या 5,000 करोड़, ये एक अनुमान का आंकड़ा है, इतने का ऑर्डर ONGC ने दिया हुआ है। अब इतने का ऑर्डर अगर ONGC दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्लान होंगे इस कंपनी के आगे आने वाले भविष्य में, तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैंने चुना हुआ है ऐसे। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जो मैंने चुनी है, ऑयल इंडिया। इसके भी अगर एक साल के चार्ट को देखें तो खासा रिटर्न तो नहीं बना के दिए हैं, बल्कि -20% से ज्यादा के ही रिटर्न है। लेकिन अक्टूबर से अगर हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आना शुरू हुआ है, और ये एक मिड कैप कंपनी है, यहाँ पर भी रिस्क कम लगती है। और टिकर टेप के ही इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो सारे पॉजिटिव है, सारे ग्रीन है, जो मैंने पहले भी आपको बताए थे। और इसके की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी 2,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इनकम इस कंपनी की जो है वो 3,815 करोड़ के आसपास की है। डिविडेंड बहुत ही बढ़िया दे देती है कंपनी 9% से ज़्यादा का। और इसके भी फोरकास्ट को थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ पर प्राइस फोरकास्ट की खास चर्चा मैं करना पसंद करूंगा, जहां पर हाई का अनुमान 150 रुपये से ज़्यादा का दिख रहा है और लो का अनुमान 60 रुपये के आसपास का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ONGC जैसे ही नंबर्स यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो ये कंपनी भी आपको अपने वॉच लिस्ट पर जरूर लगानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है कोल इंडिया। पिछले एक साल के रिटर्न्स में कोल इंडिया ने इन दोनों के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। 30% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न। और अगर यहाँ पर चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट के हिसाब से सारे ही पैरामीटर्स पर ये कंपनी खड़ी उतरती है, लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड की बात करें तो करीब करीब 9% का डिविडेंड यील्ड कंपनी रखती है, कोई कैश फ्लो फ्री यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया। आय की बात करें यानी कि इनकम की, तो 16,714 करोड़ की यहाँ पर इनकम इस कंपनी ने रिपोर्ट की है। फोरकास्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो यहाँ पर तो फोरकास्ट भयंकर ऑप्टिमिज्म के साथ दिखाई दे रहा है, 263 का हाई और 102 रुपये का लो। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ अभी की, तो यहाँ से पोटेंशियल जो हाई का है वो काफ़ी ज़्यादा है और लो का जो है काफ़ी कम है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की अगर हम बात करें तो काफ़ी बैलेंस सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कंपनी भी ज़रूर आपको अपने वॉच लिस्ट पर रखनी चाहिए। और कोल इंडिया के ऊपर मैंने डिटेल में अपने Q&A वाले सेशन में बात की हुई है, चर्चा की हुई है, जिसके मदद से आपको आसानी से
इसके रोड मैप के बारे में, यानी कि आने वाले भविष्य में किस तरीके के प्लान है इस कंपनी के, उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर ऊपर आए बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को देखिए अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है। तो ये थे तीन ऐसे PSU स्टॉक्स जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा कमा कर जरूर देंगे। तो आप इन्हें अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, जैसे ही कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसी तरीके से यहाँ पर आपको डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम तो ज़रूर प्राप्त होती रहेगी और 10-15% का अप्रिसिएशन यहाँ से उम्मीद कर सकता है एक रिटेल निवेशक भी। लेकिन मैंने जैसे आपको प्राइस फोरकास्ट में रिस्क बताई, तो वो भी हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। आप जब भी एक कंपनी में निवेश करते हो तो पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ नेगेटिव की भी रिस्क होती है, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए, चाहे PSU स्टॉक्स में चाहे किसी ग्रोथ स्टॉक में। और अगर आपके भी नज़र में कोई अच्छी PSU कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिनके प्राइस अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके आपकी चॉइस और हमारी ये जो पूरी कम्युनिटी है संडे निवेश यूट्यूब चैनल की, उन्हें भी एक अच्छा इनपुट मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है, और इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिए।